की शादी होने वाली है, इसीलिए मैं रेगुलर व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ। ये देखो दूल्हा दुल्हन का पोज, अब यहाँ पे ना रोज आके सीख के जाना पड़ेगा कैसे कैसे पोजेस होते हैं। चाय और बीड़ी में से एक चुनना हो तो आप किसको चुनोगे? बीड़ी। अगर ये दादी आपको कहीं मिले तो प्लीज हमसे संपर्क करना। हाँ दादी मर गई वाली। ओहो यहाँ पे मम्मी का योगा चल रहा है। हेलो जी, रामदेव बाबा जी की बहन आई है हमारे घर, पूरे एक दिन पहले इन्होंने योगा करना शुरू किया है। क्या लगता है तुमको बेटा, योग से सच्चे होते हैं निरोग, कपाल भाति से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती है, ये सच है। अच्छा सही कर रहे हो आप। बिल्कुल सही, जब हम अंदर करते हैं सांसों, पेट अंदर जाना चाहिए, बाहर छोड़ते हैं। कैसे, एक बार फिर से करना। ऐसा लग रहा है आप सांस बाहर ही नहीं निकाल रहे हो, ऐसा लग रहा है आप अंदर। अच्छा चेक कर रहे हैं। और कौन कौन से योग आते हैं आपको करके बताओ? अरे मैं दो के बारे में बताऊंगी, कपालभाति और अलोम विलोम। अलोम विलोम, अच्छा अलोम और विलोम, अनुलोम विलोम होता है शायद, अलोम विलोम ही होता है। ऑक्सीजन अंदर तक फेफड़ों तक पहुंचेगी और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं होती, वो बाहर तेज से बाहर आती है, और ऑक्सीजन गैस तेज से अंदर जाएगी तो हमारे फेफड़े हार्ट दिल बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अच्छा कुछ लोग रामदेव बाबा नहीं बोलते कि गलत करते हैं, तो कैसे करते हैं? पहले मुझे आता नहीं था ना, तो मैं ऐसे करते ना, फिर मैंने ध्यान से सुना कि रामदेव बाबा जी क्या बोल रहे हैं और तब मैंने उनसे सीखा। अच्छा पहले आप भी गलत करते थे? मैं भी गलत, शुरू शुरू में आता ही नहीं था ना, तब मैंने ध्यान से उनकी बातें सुनी। लाजवाब है। आप उनके शिविर गए थे क्या? मैं शिविर तो नहीं गई थी, लेकिन मैंने उनसे खुद टीवी में सीखा। लाजवाब है, लाजवाब है रामदेव बाबा जी। मम्मी आपके फैंस बोल रहे थे अभी भी आप कमजोर लग रही हो। बल कमजोर लग रही हूँ? वैसी नहीं लग रही जैसे आप पहले थे, कॉमेडी। अच्छा कॉमेडियन, फिर कॉमेडी करूंगी, लेकिन अभी थोड़ा अस्वस्थ हो चुकी हूँ ना मैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फिर करूंगी। एक चुटकुला सुना दो अपने फैंस को। मेरा डिश तो पकड़ रही हो। सॉरी सॉरी, कर लो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, और कमेंट सेक्शन में बताना कैसे हो, ठीक है? तो दोस्तों सुबह जो मम्मी ने योगा की टिप्स दी थी वो आप फॉलो करना जरूर, कपाल भारती और अनुलोम विलोम, मम्मी बोल भी नहीं पा रही थी, अलोम विलोम भी बोलती है मम्मी, तो वो फॉलो करना, ठीक है? और लास्ट टाइम मैंने पोस्ट डाला था शादी वाला कि शादी होने वाली है, इसीलिए मैं रेगुलर ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ। काफ़ी लोगों के इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस आ गए थे, तो पहले तो उन सब के लिए थैंक यू। तो मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है, ब्लॉग में, कि कहीं तुम सीधे लास्ट में ही नहीं चले जाना उस बात के लिए, तो मैं लास्ट में बताऊंगी, थोड़ा सा सब्र करो। शादी वाला ये मैटर क्या है? तो अभी बज रहा है दिन का 12। और हाँ एक और चीज़, आजकल मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, मेरे शुभचिंतक, कि आपके जो सब्सक्राइबर है वो बहुत स्लो ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों होता है, कभी कभी ऐसा होता है यूट्यूब पे, एक तो मेरे साथ यूट्यूब अच्छा नहीं कर रहा है, मेरे को शायद प्रमोट नहीं कर रहा है, और हाँ मेरे आसपास के लोगों में मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं जा रही है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये कि पहले जब मैंने शुरू किया था व्लॉग बनाना तो मैं इधर उधर जाती थी, ट्रैवल करती थी, बहुत जगह जाती थी, तो काफ़ी लोग वहाँ से भी जुड़ जाते हैं ना, काफ़ी लोग को ट्रैवलिंग की वीडियो ज़्यादा पसंद आती है, अलग अलग गांव जाके वो वीडियोस बनाना वो पसंद आती है, लेकिन उनका ये सीन है कि वो डेली नहीं बन सकती, अगर आप कहीं जाते हो तो उसमें पूरा टाइम लगता है आपको, फिर वो डेली ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगी ना, वो डेली नहीं डाल सकते आप, कभी कभी डाल पाओगे, तो ये भी नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने डेली ब्लॉगिंग शुरू की। और डेली ब्लॉगिंग में ये होता है कि कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसी ऑडियंस होती है जिन्हें डेली ब्लॉग्स देखना पसंद है ना, फैमिली ब्लॉग्स देखना पसंद है, तो वो फैमिली से जुड़ जाते हैं, तो कुछ ऐसी ऑडियंस ढूंढने के लिए बड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब ऑडियंस मिल जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर वो आपसे जुड़ जाते हैं, और उनको कोई मसाला एंटरटेनमेंट ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बस वो फैमिली ब्लॉग्स नॉर्मल चीज़ें देखना पसंद करते, तो ऐसी ऑडियंस जब मिल जाएगी तब तो और बढ़िया हो जाएगा। तो फिलहाल ऐसा कोई टेंशन नहीं है, अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डेली व्लॉगिंग का तो मतलब ही होता है ना, डेली लाइफ उसमें दिखानी होती है, पर थोड़ा सा मतलब चेंजेस तो मुझे भी करने पड़ेंगे, चलिए करेंगे चेंजेस, है ना, तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है दोस्तों, सबके साथ होता है, सारे यूट्यूबर्स के साथ होता है, तो ऐसी कोई टेंशन लेने की जरूरत तो है नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ
मार्केट, मुझे प्रमोशनल शूट मिला है एक कॉलेज का, मैं वहाँ पे गई भी थी। आपने हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा ना, तो उसका मुझे एक प्रमोशनल वीडियो बनाना है। अच्छा काम मिला है तो उसको मैंने करना है, पर उसके लिए एक चीज़ चाहिए, मेरे को स्टूडियो चाहिए होगा और एक ग्रीन पर्दा होता है ना जो पीछे लगता है वो चाहिए, क्योंकि जो पीछे से बैकग्राउंड है ना वो एकदम कॉलेज वाला बैकग्राउंड आना चाहिए, काफ़ी चीज़ें उसमें भी। तो अभी मैं मार्केट जाके वही ढूंढ रही हूँ। वैसे तो एक फ्रेंड है मेरा, मतलब वो भी यूट्यूबर है, तो उसकी मैं हेल्प लूँगी, लेकिन वो पड़ोस वाले गाँव में रहता है, तो मैं सोच रही हूँ पहले यही मार्केट में घूम लूँ, क्या पता यहीं पे मिल जाए, यहीं पे काम बन जाए, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब यहाँ पे मैं आलस कर रही हूँ, तो चलो पहले मार्केट घूम के आते हैं। और हाँ, कुछ भी मुझे मसाला जिसको चाहिए, कुछ भी मुझे एंटरटेनिंग दिखेगा तो मैं आपके लिए रिकॉर्ड करके लाऊंगी, तो आपकी आप ताकि आपके चेहरे में थोड़ी सी स्माइल आए, एंटरटेनिंग हो ब्लॉग। तो चलो दोस्तों चलते हैं मार्केट और घूम के आते हैं। घूम दोस्तों, ये जो स्टूडियो है ना हमारे घर के सामने ही है, और इसमें कितने सारे पर्दे हैं अलग अलग कलर के, बैंगनी भी है, स्काई ब्लू भी है, और ये वाला भी है, लेकिन मेरे काम का नहीं है, मुझे हरा पर्दा चाहिए, तो नीला पर्दा चाहिए। वैसे ये वाला भी चल जाता, लेकिन भैया कह रहे हैं इसकी लाइट जो है ना वो थोड़ी सी कम हो रखी है, तो कम लाइट नहीं चाहिए, ज़्यादा वाली लाइट चाहिए, तेज़ लाइट चाहिए, तभी बैकग्राउंड चेंज हो पाएगा ना। तो देखो यहाँ पे आप फोटो खिंचा सकते हो बहुत सारी, और पीछे से कभी मतलब पीछे से बैकग्राउंड चेंज कर देना, तुम लंदन भी पहुंच सकते हो, न्यूयॉर्क भी पहुंच सकते हो, थलीसन भी पहुंच सकते हो। तो अभी ये काम करनी है, तो अभी हम चलते हैं दूसरे स्टूडियो में, ठीक है। ये देखो दूल्हा दुल्हन का पोज, यहाँ पे आप फोटोज वीडियोस बना सकते हो शादी की, ये वाली फेमस पोज होती है जो मेहंदी की होती है ना ओल्ड टाइम से, और जब हम टाइम पास करना होता था बचपन में, हम यहीं आते थे ये फोटोज वगैरह देखने के लिए। ये वाली को, ये कुमाऊनी वेडिंग थी क्या भैया? इन्होंने पिछोड़ा पहना है, कहाँ गए थे आप इसके लिए? सरायखेत। अच्छा तभी मैं बोलूँ, हमारे यहाँ नहीं पहनते ना ये, तो ये कुमाऊनी वेडिंग में गए होंगे ना भैया, तो इन्होंने पिछोड़ा पहन रखा है। भैया आपकी शादी की फोटोज नहीं लगाई आपने यहाँ? घर ले गए, पहले पहले रहती थी यहाँ पे गई ना, भैया ने अपनी शादी की फोटो ही ले गए घर। चलो ठीक है भैया, थैंक यू। ये देखो हमारी आंटी जी आज काम में लगी हुई है, छा काम हो रखा है, मास्क निकालने रे आंटी, मुझे रबर चाहिए बालों के, अब तो इनको दिखाना ही पड़ेगा, मेरे को मत दिखाना, जो मुझे ऐसा बोलता है मैं उसको सबसे पहले दिखाती हूँ। मास्क हटा, मास्क हटा, हेलो बोल सकते, हेलो। तो इन रबड़ों को क्या होता है, ये जल्दी जल्दी खो जाते हैं आंटी, खोना मत यार तू। पर अंकल जी बोलते हैं जल्दी खोएंगे तभी तो तुम वापस आ गए। तो, जब रबड़ खोएंगे तभी तो हमारे रबड़ और बिकेंगे। ये सबके साथ होता है, सबके साथ सबको बिका लो। और आंटी जी, आंटी जी ने लॉकडाउन खुलने के बाद बहुत सारी चीजें मंगा दी, ये वाली लेकिन अब गढ़वाल में पहनने लगे। अच्छा अब यहाँ भी मंगाने लग गए, इनको हाथ में पहनते हैं। और आंटी जी ढेर सारी ऊन भी लेकर आ रखी है, तो जिसको स्वेटर बनानी हो, ये शिशु मंदिर के बच्चों की स्वेटर से बनती है ना, और वो ये नहीं भी है, वो ये इधर है। अच्छा ये देखो हर कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आंटी प्राइस क्या है इनकी? प्राइस है इसका 280 और कोई है 300 रुपये पाउंड। अच्छा पाउंड मतलब है ना, पाउंड मतलब 400 ग्राम। चलो ठीक है, आज तो अंकल जी सेट लग रहे, सेट लवली कपल। अरे इसको मत लाया कर मैं सुन, आप तो जब आंटी आती है और भी अच्छे लगते हो, पता है आपको, चार चांद लगा देती है आंटी। चलो ठीक है आंटी, बाय बाय बाय। गुन्नू लग रहा है तुझे आज हमें मिलेगा हमारा स्टूडियो, हमारा ड्रीम स्टूडियो लग रहा है मुझे। हाँ तो उधर की जा रही है, इधर एक चल पहले यहाँ चेक करते, हाय यहाँ तो बंद है। लगता है हमें आज नहीं मिलने वाला स्टूडियो हमारा। क्या पीना चाहो तुम? बीड़ी को बंडल कच्चा तो बीड़ी दिखा, ये देखो बीड़ी वाली बोड़ी हमें फिर से मिल गई। काकी कदा कदा पीनी तुम एक दिन? अब एक दिन में एक बंडल, एक बंडल खत्म, खलास पूरा। अबे बीड़ी पीन दो एक वीडियो, एक बार पियो तो दिखाओ तो हमें कैसे पीते बीड़ी। ए स्वैग देखो स्वैग, तबीयत खराब नहीं होती इससे? नहीं ठीक होती है इससे तबीयत, थकान जाती है इससे, थकान जाती है। अरे वाह। अच्छा अच्छा आपको अगर चाय और बीड़ी में से एक चुनना हो तो आप किसको चुनोगे? बीड़ी। बीड़ी हैं। और अगर आपको मिठाई और बीड़ी में से एक को चुनना हो? बीड़ी। रोटी और बीड़ी में से? रोटी तो खानी है,
और बीड़ी तो छोड़ो मैंने। ओ भाई साहब, सच्ची बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो डॉक्टरों के पास झूठ नहीं बोलती हूँ कि मैं बीड़ी पीती हूँ। तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? तबीयत खराब, कभी खांसी बुखार हुआ ना, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अच्छा, तो वो बोलते हैं तुम बीड़ी पीती हो। बैग उनको कैसे पता चल जाता है? पता चल जाता है उन्हें। मैं तो साफ बोल देती हूँ, हाँ बीड़ी पीती हूँ। क्या छुपाता है इसमें? पीते है तो पीते। शेरी भैया देखो वैसे कैसे हंस रहे। शेरी भैया आप भी पीते हो बीड़ी? शेरी भैया नहीं पीते भाई बीड़ी। शेरी तो धन बचत कर रहा। अच्छा पैसे बचा रहे हो? ओहो अच्छा, आप भी और ड्रिंक भी करते? ड्रिंक नहीं करते नहीं भाई, वो बाबा। तो बीड़ी आपकी फेवरेट है? और वो वाली भी पींद बोड़ी? ये वाली ये नहीं पींदे? तुम भी नहीं? कितने साल के आप? 58 साल। अच्छा, और कितने साल से पी रहे हो? मैंने 20 से 21। जब आप 20 साल के थे तब उसके बाद आपकी शादी हुई कि पहले हो गई थी? ना बात कोई उसके, तो आपने उनको उनके घर वालों को बताया मैं बीड़ी पीती हूँ? पहले ही बता दिया था बीड़ी भी पीती हूँ। अच्छा, उनको भी बता दिया था? मान गए थे वो? तो मान लेंगे, नहीं तो करेंगे क्या? ओ भाई, इतनी सुंदर लड़की कहाँ मिल रही थी, है ना? मतलब आपने बोला कि मैं बीड़ी पीती हूँ तब भी वो मान गए? शेरी भैया देख रहे हो, हम छुपाते नहीं है कोई, छुपाते नहीं। हम ऐसे बोलेंगे तो हमारी तो शादी नहीं होगी फिर। अब तुम ये तो बिजने नहीं है, तुम बोलेंगे कहाँ से? सही बात है, सही बोला हमारी बॉडी ने, जिस दिल जीत लिया आज का लाइक हमारी बॉडी के नाम है ना बॉडी इन वाला। लाइक लाइक शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब ये। शेरी भैया बताओ क्या बोलते हैं, जलेबी दिखाती है? कभी लेती नहीं है तू। भैया मैंने लास्ट टाइम इसलिए नहीं ली थी ना, मैं खाती नहीं हूँ मीठा ज्यादा। ये देखो इन जलेबी को देख के ना सबके मुंह में पानी आ गया था उस दिन। अब खत्म हो गई, लास्ट बची है ना, गुनी खाएगी तू? खा ले, चलो ले जाएंगे हम, जिस दिन हमारा मूड होगा हम पूरा परात लेके जाएंगे। तो गाइस एक और स्टूडियो हम पहुंच गए और यहाँ पर रेड वाला पर्दा है, पर ये बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन क्या करें ये भी काम नहीं आएगा। और यहाँ पे और भी अच्छी बैकग्राउंड है। गुन्ने बोली थी कि मेरी फोटो खींचो यहाँ पे। हेलो हेलो, अच्छा लग रहा है ना ये बैकग्राउंड, एकदम रेड बैकग्राउंड। क्या कह रहे हो अंकल जी, हंसती हुई फोटो नहीं आई आपकी? अंकल जी कह रहे जरा मुझे हंसा। अरे इतनी अच्छी तो आई है अंकल आपकी फोटो। नहीं आई ना अच्छी, इसलिए और अच्छी है। शांत लग रहे, क्यों? पासपोर्ट साइज भी तो अच्छी होगी। फोटो बेटा जीवन में कभी अच्छी आई ही नहीं। ऐसा है क्या कुछ? भाई इनकी बहुत अच्छी फोटो खींचो, कह रहे जीवन में कभी नहीं अच्छी आई। ये ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की फोटो बड़ी यादगार रहती है ना। शाम स्टूडियो, तो यहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हो, जिसको भी शादी वगैरह की फोटोज वगैरह करानी है। ये आ गई हमारी अंकल जी की फोटोज। चलो ठीक है भैया, बाय। और चुटकू और हीरो, इतना सीरियस क्यों हो रखा है ये? हेलो कख ले गए तुम? छोटा छोटा बच्चा ये अभी, ओ ये तो सबसे छोटी लग रही है। कख अच्छी तुम? जल्लू। अच्छा, जहाँ के आलू होते हैं फेमस। वो बोल रहा है मेरी क्यों नहीं खींच रहे? ले भाई तेरे भी खींच दी। क्या नाम है? आरव। आरव कितना गोरा लग रहा है, गोरे गोरे बच्चे। चांद से चमकते हुए हैं आप यूट्यूब पे हम देखे। ठीक है, बाय बाय बाय। एक नाम क्या है? खुशी। खुशी बाय बाय खुशी। खुशी का बिल्कुल मन नहीं है बाय बोलने का। क्या फोटो लिया है भैया ने? अगर ये दादी आपको कहीं मिले तो प्लीज हमसे संपर्क करना। हाँ दादी मर गई वाली 103 साल में। मेरी वीडियो नहीं आनी चाहिए आपको? आएगी आएगी आएगी, जो बोलता है ना फिर उसकी आई जाती है, आपको पता ही है। ये देखो इतनी अच्छी फोटोज इन्होंने ली है यहाँ पे। अच्छी लग रही है ना दादी? स्मोकिंग वाली धाकड़ दादी। अच्छा तुम कहीं इनकी दादी तो नहीं थी? मेरी दादी के लिए ऐसा क्यों बोल रहे? तुम्हारी दादी तो नहीं है? नावल नहीं है ना आपके पास हरा पर्दा? हाँ ना तो बोल दो। लेकिन मैं नहीं दे रहा। अच्छा, ये कह रहे मैंने तूने मेरी वीडियो बनाई है, मैं नहीं दूंगा हरा पर्दा। ये आप सही नहीं कर रहे हो। टोल गप्पे नहीं मिलेगा तेरे को, ये पर्स कर दे, ये मेरा है। चलो बाय 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 टाटा, ये पर्स सब मेरा हुआ। बोल दे दे दीदी, दे दे बोल।
चलो मैं जानू हाँ बाय। अरे रो मत, ले ले ले, लोग बोलेंगे सबको रुलाती रहती है सबके बच्चों को। नहीं रुलाऊंगी, तुम लो ये पर्स लो। तो दोस्तों अभी मैं घर आ गई हूँ और भले हमारा काम नहीं बना पर मार्केट में मज़ा आ गया बच्चों को देख के, और जो बीड़ी वाली बोड़ी थी उसको देख के तो और भी ज़्यादा मज़ा आ गया। वैसे जब मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको प्रमोट कर रही हूँ, ठीक है, मतलब उनसे बात करना अच्छा लगता है इसीलिए मैं करती हूँ। और ऐसी चीज़ें वैसे भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन जो यहाँ के लोग होते हैं बीड़ी पी के स्वस्थ होते हैं, पता नहीं कैसे होते हैं, मुझे नहीं पता। तो चलो दोस्तों, हाँ मेन बात तो मैं बताने भूल गई, जो मैंने शादी वाला पोस्ट डाला था उसमें मैंने ये बोला ही नहीं था कि मैं अपनी मतलब मेरी शादी है, मैंने ये लिखा था कि शादी हो रही है इसीलिए, मतलब कई लोग तो समझ भी गए थे, कई लोग बोले थे जुलाई फूल बना रही हो, तो उसी टाइप का था। मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो डालने के लिए कुछ था नहीं, कुछ मस्ती की जाए, तो मैंने वो डाल दिया था। और कई लोगों ने बोला स्वीटी की शादी के बारे में बात करी है, तो हाँ उसी की शादी के बारे में बात करी थी। और आजकल हम डांस प्रैक्टिस भी करें क्योंकि शादी में स्पेशल डांस वगैरह होता है ना, तो बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तो बहुत टाइम है उसकी शादी के लिए, तो अभी देखते हैं क्या क्या होता है। तो चलो दोस्तों ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ब्लॉग, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। हम अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।